नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F23 5G versus Xiaomi Redmi Note 11T 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 6.52 इंच जबकि Note 11T 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy F23 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 3.03 इंच जबकि Note 11T 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy F23 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F23 5G में 0.33 इंच जबकि Note 11T 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy F23 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F23 5G में 198 ग्राम जबकि Note 11T 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F23 5G में TFT जबकि Note 11T 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F23 5G में 1080x2408 और Note 11T 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F23 5G में 82.53% जबकि Note 11T 5G में 84.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F23 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 11T 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F23 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11T 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F23 5G में Adreno 619 जबकि Note 11T 5G में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Note 11T 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy F23 5G में Android V12 जबकि Note 11T 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी F23 5G में दो कलर्स जबकि नोट 11T 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी F23 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11T 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी रेडमी नोट 11T 5G की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11T 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08 आई है, दूसरा मोटो जी 5G है, तीसरा ओप्पो F19 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।